निकल चुके हैं, सुबह के बजे हैं 7, मैं रेडी हूँ बिल्कुल, आप देख सकते हो सुबह के 7 बजे रेडी होकर बंदा गुड़गांव जा रहा है, 1 घंटे का सफर है गुड़गांव का। फिर डायरेक्ट दिखाऊंगा मैं आपको पूरी प्रॉपर्टी का इंटीरियर एक्सटीरियर और सब कुछ जो आपको वहाँ पे दिखा सकता हूँ मैं, सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। फाइनली वी रीच अवर डेस्टिनेशन IBIS होटल पे हम जा रहे हैं एंट्री करने, और आप देख सकते हो लोकेशन फाइनली एरो सिटी में है, वर्ल्ड मार्क के पास ही, वर्ल्ड मार्क 2 है सामने, और अभी चलते हैं एंट्री करने, देखते हैं कहाँ से होगी एंट्री इसकी। दिस इज होटल एंट्री, नाउ वी आर टेकिंग एंट्री एंड लेट्स सी, यू नीड टू वेट, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा एंट्री करने के बाद। यहाँ पे हो रही है थोड़ी चेकिंग। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं जो मुझे यहाँ पे होटल में घुसते के साथ ही एक्सपीरियंस हुई, यहाँ पर सेल्फ पार्किंग है और आपको पार्क करने खुद जाना पड़ेगा, कोई यहाँ पे वैले पार्किंग नहीं है। तो ये साइड में देख रहे हो आप, पार्किंग का बोर्ड दिख गया होगा आपको, यहाँ से करने वाले हैं पार्किंग। ओके, फाइनली पार्किंग में आ गए। सामने से एंट्री है और ये है रिसेप्शन, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी, सिटिंग एरिया है काफ़ी अच्छा बड़ा। दिस इज़ पूल इनसाइड दिस होटल, देख सकते हो ब्यूटीफुल, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी कर रखा है, तो शायद मेरे ख्याल से इवेंट के पर्पज़ से ही है ये। दिस इज़ अनदर रूम, यहाँ पर हमारा वैसे इवेंट का थोड़ा मेकअप वगैरह होने वाला है, तो यहाँ पर प्रिपरेशन होगी मेकअप की, आप देख सकते हो काफ़ी सारे लोग आ गए, मेकअप की टीम आ गई हमारी, तो अभी यहाँ पे टीम सेटअप कर रही है मेकअप का। और यहाँ देख रहे हो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो कौन है, यहाँ पे कशिका है और ये अभी रेडी हो रही है, ये भी रेडी हो रही है, पर हम इसको देखेंगे बाद में, पहले अभी हम देख लेते हैं सेटअप, पूरी टीम आ चुकी है, अभी दिखाते हैं टीम का क्या सेटअप होने वाला है, मॉडल्स भी आने वाले हैं, मॉडल्स इधर ही आएंगे सारे, है ना, मॉडल्स भी इधर ही आएंगे हमारे सारे। और ये आपको मैंने रूम दिखाई दिया जहाँ पे हमारा प्रिपरेशन होने वाला है पूरा इवेंट के, सारे मॉडल्स यहीं पे रेडी होंगे। तो ये रेडी हो गई है कशी, रेडी नहीं, वो रेडी होकर आई थी। अच्छा, रेडी होके आई थी, बट अब ये हेयर्स करा के बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, और अब वन बाय वन इंट्रोडक्शन लेते हैं, अब इंट्रोडक्शन के साथ टूर करवाने वाली है अपनी टीम का। ये प्राची, ये भी मेरे साथ टीम में न्यू जुड़ी है। ओके, टैलेंटेड आर्टिस्ट है, सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, है ना। ओके, आरती है दिस साइड, और ये भी मेकअप आर्टिस्ट, ये मेकअप आर्टिस्ट प्लस ये आर्टिस्ट दोनों है। ओके, और देन वी हैव, ये हमारे स्टूडियो में वर्क भी कर चुके हैं और अभी हमारे साथ टीम में। अच्छा, वैसे तो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इतना इंट्रोडक्शन ही चाहिए, हमें सिर्फ नेम चाहिए इतना, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा लॉन्ग नहीं करते, शॉर्ट में चलते, शॉर्ट में चल। ये इसके बाद जानते होंगे मेरी 6 साल पुरानी फ्रेंड दीशा, तो बहुत टाइम बाद मिले हैं। यस yes, तो ये सारे के सारे आज मेकअप करने वाले हैं, बहुत सारे, ये KTN की टीम की अर्ली मेंबर, योगी की सिटी से बिलोंग करती है और इसने विजय जी को जिता दिया। दिस साइड वी हैव सिटिंग अरेंजमेंट फॉर अवर बुफे, जो भी आपको खाना है लंच वगैरह करने के लिए। यहाँ पर कुछ बार टाइप का है जहाँ पे आप अपना ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ होटल में लॉबी में आपको जिम भी मिलने वाला है, तो अभी देखते हैं यहाँ पे जिम कैसा है, चलते हैं जिम की साइड। ओके, वी हैव हियर जिम, तो ये क्लासिक सा जिम आप देख सकते हैं यहाँ पे। काफ़ी सारी मशीन्स हैं यहाँ पे, वाह मज़ा आने वाला है यार, पर मैं कर नहीं सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वरना मैं करता। तो अभी हमारा इवेंट स्टार्ट होने से पहले इवेंट का सामान तो आ गया सारा कुछ, और वहाँ पे सेटअप की तैयारी चल रही है, देख रहे हो सारे इवेंट के ग्रुप मेंबर्स आ गए हैं यहाँ पे,
बहुत अच्छी वाइब आने वाली है, क्योंकि मुझे ये जो पूल दिख रहा है ना, इससे लग रहा है कि बहुत तगड़ी वाइब आने की यहाँ पे इवेंट की। खैर मॉडल्स रेडी हो गए हैं, ये हमारे भाई मॉडल हैं ये हो गए रेडी, और आप देख सकते हो सारा कुछ जोर शोर से चल रहा है। इधर मेकअप कंप्लीट होने वाला है, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है काफ़ी सारा, और वहाँ पे चल रहे हैं हेयर्स। तो सारे मॉडल्स वगैरह प्रिपेयर हो गए हैं, उनके कपड़े भी आ गए हैं ये चेंज करके, फिर ये लोग जाएंगे सीधा शूट पे। तो यहाँ पे हो चुका है रियाज भाई, सब ओके, फैंटेस्टिक मेकअप बढ़िया हुआ है यहाँ पे मेकअप। और यहाँ पे एक और मॉडल है हमारे, उनका चल रहा है मेकअप। तो यहाँ पर इवेंट से पहले की प्रिपरेशन चलते हुए आप देख सकते हो मॉडल्स को पूरी तरह से ट्रेन किया जा रहा है, कैसे तरीके से आपको जाना है रैंप वॉक करने। तो आप देख सकते हो सारे के सारे मॉडल यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, और लास्ट मोमेंट चल रहा है इवेंट का, और सारे के सारे थक गए हैं आप देख सकते हो सारे के सारे फेसेस। और अब हाउस द जोश गाइस, तो वंडरफुल आपने देख लिया, सब अच्छे से एनर्जेटिक हो गए हैं। लास्ट मोमेंट अब देखते हैं इवेंट का कैसे रहने वाला सिनेरियो। फैंटास्टिक व्यू आ रहा है यहाँ पे। ये फाइनल सेटअप है यहाँ पे, कुछ शायद मीटिंग का अरेंजमेंट किया है यहाँ पे। तो देख रहे थे सुबह क्या हाल हो गया था जब हम मेकअप कर रहे थे बिल्कुल कबाड़ा हो गए थे ये, और कितने अच्छे से डेकोरेट कर दिया है, और वहाँ पे एडजस्टेबल थे तो उस कॉर्नर को भी खोल दिया इन्होंने। फाइनली गाइस हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया होटल को, होटल आईबिस एरो सिटी को, और मैंने दिखा दिया आपको कैसा रहा इवेंट, बहुत अच्छे से सारा कुछ हुआ इवेंट में। और बाकी सारी डिटेल मैं अब सबसे ज्यादा मेन इन्फॉर्मेशन जो इस ब्लॉग की है वो देना चाहूंगा, जो आप लोग जाने के लिए बताओगे कितना रहने वाला है यहाँ पे रूम का रेंट। अगर आप रूम यहाँ पर परचेज कर रहे हो तो 5000 rupees अप्रॉक्स प्लस GST आपको लगने वाला है अगर आप यहाँ आ रहे हो आईबिस होटल में। और साथ में ही मैं बता दूँ आपको सारी अमेनिटीज लाइक यहाँ पे जिम है, स्विमिंग पूल है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा पैकेज है अगर आप आ रहे हो एरो सिटी, और मैं मस्ट रिकमेंड करूंगा आपको कि आप आओ, मस्ट विजिट करो इस वाले होटल को। तो इसी ब्लॉग के साथ लेता हूं मैं आपसे अलविदा, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वंडरफुल ब्लॉग। दिस इज वंडरफुल नाइट व्यू ऑफ दिस होटल, आप देख सकते हो यहाँ पे आप फोटो क्लिक करा सकते हो, और हमारा यहाँ से टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया है।